नमस्कार, मेरे नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग है ये भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस ब्लॉग को तिरुपति बालाजी का मंदिर के पास से कर रहा हूँ। और आज यहाँ पे सबसे खास बात है कि यहाँ पे दर्शन से पहले बाल दान किया जाता है, यानी कि बाल कटवाया जाता है। तो आज मैं देखिए बाल पूरा कटवा रखा है, और हमारे साथ जो लेडीज थी वो लोग भी बाल कटवाई है, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं, थोड़ा बहुत कटवाए हैं। बाकी मैं यहाँ पे जेंट्स जितने हमारे साथ आए थे वो सभी ने पूरा बाल कटवाया है। तो यहाँ का सारा कुछ आपको बताऊँगा इस ब्लॉग में, कैसे दर्शन होता है, कितने का टिकट है, रहने का क्या व्यवस्था है, आने का क्या साधन है। तो बने रहिए लास्ट तक इस ब्लॉग में, और चलते हैं अब, बैक कैमरे से आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए तिरुपति बालाजी का, ये है गोलंबर, और यहाँ से मंदिर मात्र 200 मीटर पे है। यही है एंट्री पॉइंट, यहीं से एंट्री होता है। ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, इसी में से एंट्री पॉइंट है, ये है एंट्री पॉइंट है ये। ये प्राइवेट गाड़ियों का पार्किंग है, इधर इस साइड में प्राइवेट गाड़ी पार्क होता है, और बस की पार्किंग यहाँ से पीछे साइड में, यानी कि इस साइड में जाइएगा इस रोड से तो इधर आपको बस पार्किंग मिलेगा। अरे है भगवान का मूर्ति, लोग फोटो खिंचा रहे हैं। निगम जी बोलिए। माया पाप काटने वाला बैंक पति वाला श्रीनिवास विष्णु अवतारा महिमा जानत है जग सारा, जो यह श्री चालीसा गाय सकल पदार्थ जग के पाए, सब पुष्प चरण चढ़ा कर करें प्रार्थना भक्त मानव। जय जय श्री तिरुपति पति निवास भगवान करो सिद्ध सब कामना स्वामी कृपा निधान। बोलिए वेंकटेश भगवान की जय। अब हम लोग चलेंगे बाल को कटवाने, यहाँ बाल दान करने का ज़्यादा है, बाल कटाया जाएगा। यहाँ का बताते हैं कि दर्शन करने से पहले बाल दान दिया जाता है, दान किया जाता है। तो हम लोग अभी बाल कटाएंगे, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए। ये देखिए ये अभी नाइट का सीन है। आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे 12 बजे, और 12 बजे के बाद रूम बुक करने में टाइम लग गया, 2 बज गया। 2 बजे के बाद हमको रूम मिला, और दो उसके बाद फिर नहाए धोए, और अभी हम रात में ही दर्शन करने का प्लान किए हैं कि अभी 7 बजा है, शाम के 7 बजा है, तो अभी शाम को ही हम लोग दर्शन करने का प्लान किए हैं कि शाम को दर्शन किया जाए, रात में 12 बजे तक हो जाएगा दर्शन, क्योंकि समय की बहुत कम है हमारे पास। तो ये कुछ सीन है यहाँ के गोलंबर का। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे रूम का काउंटर कहाँ पे है, रूम कैसे मिलता है। बहुत अच्छा यहाँ साधन है रहने के लिए, बहुत सस्ता और बहुत ही अच्छा है आप यहाँ पर रहने के। जितने भी अभी तक हम घूमे हैं वो सब में सबसे अच्छा और सबसे सस्ता यहाँ का हमको सुविधा लगा। और ये देखिए ये बस जो है वो फ्री सर्विस है, ये जो लाल वाली बस आपको जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये बस है 24 आवर्स ये घूमते रहता है रूटों पे, और जो इसको जहाँ जाना है, चाहे वो आपको दर्शन करने जाना हो, चाहे वो प्रसाद खाने के लिए जाना हो, चाहे आपको रूम पे जाना हो, आप इसी बस के थ्रू आप आ जा सकते हैं। ऐसे सिविल गाड़ियाँ भी है जो दिखाई दे रहा है, टैक्सी वगैरह, ये सिविल गाड़ियाँ भी है, तो सिविल गाड़ी भी आप पर्सनली करके जा सकते हैं, बट उसमें आपको चार्ज लगेगा, लेकिन वो फ्री सेवा है। तो ये है यहाँ का कुछ इस प्रकार का सीन। ये देखिए ये भी एक फ्री सेवा है, ये अलग रूट की गाड़ी है, वो अलग रूट का भी आप देखें, ये अलग रूट के लिए है। ये देखिए ये बसें जो आ रही है ये फ्री सेवा है,
हम इसी बसों को पकड़ करके जाएंगे। ये रेड कलर की बसें चलती है, इस रूट की जा रही है ये। बाकी यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए हैं। आज भीड़ काफी कुछ यहाँ पर, ट्रैफिक बहुत है, थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, कितनी ट्रैफिक है यहाँ पे। और ये देखिए बालाजी का मूर्ति, ये सेल्फी पॉइंट यहाँ बनाया गया है, आप सेल्फी के लिए ये सब चीज़ बनाया गया है, जिसको फोटो खिंचाना है तो फोटो खिंचा सकते हैं, सेल्फी वगैरह का यहाँ बनाया हुआ है, सेल्फी पॉइंट है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर सीन है। सेल्फी पॉइंट लोगों को सेल्फी लेने के लिए है, लोग अपना फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सामान वन के लिए है ये, जो भी खरीदना है खरीद सकते हैं यहाँ से। पूरा डबल स्टोरी का, ट्रिपल स्टोरी है। ट्रिपल स्टोरी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखिए कितना भीड़ है शॉपिंग के लिए। तभी हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं, और ये देखिए पोखरा है, पोखरा के दो चक्कर मारना है, और थके हुए हैं तो बैठ गए, काफी लंबा रूट है। अभी रात का समय है इसलिए ज़्यादा लोगों का भीड़ नहीं है, लेकिन आ रहे हैं सब धीरे धीरे, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ये जाली है, रास्ता बना हुआ है, नहीं होगा ठीक है। देखिए टिकट काउंटर है, दर्शन के लिए यहाँ पे टिकट कटता है, जितने काउंटर लगे हुए हैं ना, इन काउंटर पे बायोमेट्रिक होता है, फोटो खिंचाता है, दर्शन के लिए लगता है। अभी भीड़ नहीं है रात के कारण, लेकिन इकट्ठे हो रहे हैं लोग। हम लोग टोकन कटा लिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए है मोबाइल डिपॉजिट और विड्रॉल काउंटर, यहाँ पर मोबाइल जो जमा होता है वो मिलता है। मोबाइल जमा करने का बहुत अच्छा साधन है, और ये लोग दर्शन करके बैठे हुए हैं। ये आउट गेट है निकलने का। प्रिया शर्मा चाय पी रही है। ओके, लोग भी चाय पी चुके हैं। चलिए और कुछ दिखाते हैं।
बड़ा जंगली इलाका है, जबकि जंगल है। तिरुपति में जो लोकल मंदिर हैं उसको हम लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं। यहाँ तो देखिए कुछ सीन इस प्रकार है। दस रुपये ले लो बालाजी पारी का पैसे का शनिवार का विशेष ले लो तुलसी ले लो तुलसी में तो सब पहले सीधा लाला एक फोटो लेते हैं। इस भगवान का है चरण पादुका। हाँ मसाला ऊपर से निकले यहाँ से यहाँ पे शंकर भगवान का मूर्ति है। आगे चल के वो भी दिखाएंगे। फोटो खिंचाने वालों के लिए भीड़ कितनी है। कितने फोटो खिंचाने वालों की भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है फोटो खिंचाने वालों को। उधर ना कहीं जगह झरना
भीड़ काफी है। यही है शंकर भगवान का फोटो मूर्ति। लास्ट है इधर पूजा कर रहे हैं। बाण गंगा जाने का रास्ता। आगे है बाण गंगा। देखिए नीचे दर्शन के लिए भीड़ बाण गंगा में। बंद हो गया है, देख लो। पहले उधर जाते थे, वहाँ पिछले बार आए थे तो इधर गए थे। देखिए इस बार इधर जाना बंद हो गया है, तो ग्रिल लग गया। और यह है बाण गंगा। बाण गंगा का दर्शन
बाण गंगा है, बाण गंगा देखिए कैसे पानी का धार है। पहले लोग वहाँ जाता था, पिछले बार आए थे तो लोग वहाँ जाते थे, लेकिन इस बार वहाँ जाना बंद कर दिया गया है और इस बार यहीं से है पानी का झरना। किस तरह है गिलहरी की तरह पाप विनाश में मार्केट यहाँ का ये है पाप विनाशक मंदिर। दर्शन कर लिए